Jain kids, how are you all? Fine. Today's your term is oral. आज हमारा term है English poem का, sorry English oral का. आज हम इसमें revision work करेंगे क्या? English phonic song. Learn English phonic song. हमारा यहाँ पे क्या दिया है? इसको ध्यान से सुनिएगा. आज ये आपका last हो सकता है. हो सकता है कोई exam हमारा English का हो, तो हम इसमें ये last revision कर लेते हैं. हो सकता है आपके exam में आ गया हो या आया आएगा. तो revision में क्या दिया है? जैसे यहाँ पे A English phonic song है A. तो A for हम क्या पढ़ा है? Apple. ध्यान से सुनिएगा. A for apple. अगर आ जाए आपके exam में कि A for क्या होता है, तब क्या लगाएंगे? क्या लिखेंगे? Apple. A for apple. ठीक है. Next क्या लिया है? B. Next क्या है? B. और B for क्या होता है? Ball. B for ball. B A double L ball. B for ball and B for wallet. Okay. ध्यान से सुनिएगा. हो सकता है एग्जाम में आ जाए. हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं. हमारा हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. तो नेक्स्ट है सी. और सी फॉर क्या पढ़ाया है? कैट. एंड सी फॉर केक. हम दोनों पढ़ लेते हैं. सी फॉर कैट एंड सी फॉर केक. सी फॉर कैट एंड सी फॉर केक. कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली. और केक मीन्स केक. सी फॉर कैट एंड सी फॉर केक. C for cat and C for cake. Okay. अब C के बाद क्या आता है? B. ध्यान से सुनिए. C के बाद क्या आता है? D. और D for हम आप लोगों को क्या बताया है? Dog and D for doll. D O G dog. Dog means क्या बताया है? कुत्ता. और D O double L doll means गुड़िया. D for doll and D for dog. Watch करिए. देखिए फिगर. D for dog and D for doll. ओके. बी के बाद से हमारा अगला लेटर क्या दिया है? ई. ई. ई फॉर हम क्या बताया है आपको? ई फॉर एलिफेंट एंड ई फॉर एग. ई फॉर एलिफेंट एंड ई फॉर एग. एलिफेंट मीन्स हाथी, एग मीन्स अंडा. ई फॉर फिगर दिखाई दे रहा आपको? ई फॉर एलिफेंट एंड ई फॉर एग. ओके. नेक्स्ट है एफ. एफ फॉर फिश एंड एफ फॉर फैन. F for fish and F for fan. F for fish and F for fan. F for fish means मछली and F for fan means पंखा. ठीक है. Next F के बाद कौन सा लेटर आया है? ये भी आ सकता है. What comes after Z? What comes after before Z? तो Z के पहले क्या है? F. और Z के बाद क्या है? H. H. ठीक है. तो Z. Z for क्या होता है? Girl and Z for goat. Z for girl and Z for goat. Z O A T goat. Goat means बकरी बताया. And Z I R L girl means लड़की. Z for goat and Z for girl. Okay. Z after H. Z after H. Z के पहले क्या है? H है. और Z के बाद क्या है? H है. और H for क्या होता है? Hand. And S for hand and S for horse. S for hand and S for horse. S for hand means murgi and S for horse means ghoda. Figure watch ho rahe hai. Figure dikhai de raha hai. S for hand and S for horse. Agar aapke exam mein agar S for horse aa jaye to horse ko kar dijiyega ya S for hand aa jaye to hand kar denge. Okay. आज हमारा टर्म है इंग्लिश टेक्स्ट बुक का. उसमें हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश फॉन्ट सॉन्ग पढ़ रहे हैं. अब कोई पूछेगा कि एच के पहले व्हाट कम्स बिफोर एच? एच के पहले क्या आता है? तो क्या बताएंगे? जी. और एच के बाद कौन सा लेटर आता है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? आई. एच के बाद कौन सा है? आई. व्हाट कम्स आफ्टर एच? एच के बाद क्या आता है? आई. आई फॉर क्या होता है? आइसक्रीम. एंड आई फॉर इंक पॉट. आई फॉर आइसक्रीम एंड आई फॉर इंक पॉट. जिसका एग्जाम बहुत अच्छा होगा उसको हम आइसक्रीम खिलाएंगे पीटीएम वाले दिन. ओके. जिस दिन हमारा पीटीएम होगा और जिसका एग्जाम अच्छा होगा उसको क्या खिलाएंगे?
आइसक्रीम, ठीक है? अच्छा, और एच के बाद से आई पढ़े, और आई का क्या पता है? आइसक्रीम एंड आई फॉर इंकॉर्ड। नेक्स्ट है जे, नेक्स्ट कौन सा लेटर दिया है? जे, और जे फॉर क्या होता है? क्या क्या होता है? जे फॉर जग एंड जे फॉर जोकर, जे फॉर जग एंड जे फॉर जोकर, जोकर दिखाई दे रहा आपको, जे फॉर जग एंड जे फॉर जोकर, ओके, फॉर कम्स आफ्टर जे, क्या बताएंगे? के, जे के बाद क्या है? के, जे के बाद से क्या है? के, के फॉर क्या बताया है? काइट एंड के फॉर किंग, के फॉर काइट एंड के फॉर किंग, काइट मींस पतंग और किंग मींस राजा, के बाद फिर कौन सा लेटर होता है हमारा? एल, और एल फॉर क्या हम बता है? लॉयन एंड एल फॉर लैम्प, एल ए एम पी लैम्प मींस वो लालटेन होता है, लैम्प जलाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्प बोलते हैं, और एल से पहले कौन सा लेटर होता है? के, के क्या होता है? के, उसके बाद से है हमारा एल, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लैम्प पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्या दिया? एम, एल के बाद से क्या आएगा? एम, एल के बाद से क्या होगा? एम, और एम फॉर क्या होगा? मंकी, एंड एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी एंड एम फॉर मैंगो, ओके, एम फॉर मंकी एंड एम फॉर मैंगो, ठीक है? ये हमारा क्या है? इमेज फोनिक सॉन्ग है, ऐसे के एम तक हमारा हाफ फुली सिलेबस है, तो इसको हम ए फॉर अगर एप्पल या फिर ए फॉर एंड आ जाएगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम अपना ऑप्शन जो आएगा उसको टिक कर देंगे। अगर ए फॉर एप्पल आ गया तो ए फॉर एप्पल करिएगा, अगर ए फॉर एंड आ गया होगा ए फॉर एंड करिएगा, ओके, समझ में आया? इसको लर्न करते हुए मुझे व्हाट्सएप वीडियो सेंड करिए, ओके।